हाय फ्रेंड्स, कैसे होंगे? उम्मीद है सब बढ़िया होंगे। मैं आज बनाने जा रही हूँ फिरनी दूध की, जिसमें आपके पास पहले से सब कट करके ड्राई फ्रूट रख ली हूँ, जिसमें चावल आधा घंटा भिगो के रख ली हूँ। इसको पीसना है। ये दूध है, ये डाबर गुलाब आ रही है, जिससे इससे फ्लेवर और खुशबू आते। ये भी एक खुशबू वाला है, जो बिल्कुल एक दो बूंद डालते हैं, जिससे खुशबू और फ्लेवर बहुत अच्छा आता है। और ये चीनी है, चीनी क्वांटिटी के हिसाब से डालेंगे, जितनी आपकी है। अब मैं चावल को पीसने जा रही हूँ। ना अच्छे से गर्म हो गए, इसमें एक चम्मच देसी घी डालेंगे। घी अच्छे से गर्म हो जाएगा, इसमें दो इलायची और दो लौंग डाल देंगे। इसमें लौंग इलायची अच्छे से हो जाएगा, इसमें दूध डाल देंगे। दूध डालने के बाद इसको थोड़ा सा उबाल आने देंगे। बीच बीच में इसको ऐसे ऐसे चलाते रहेंगे, ताकि इसमें कोई गांठ न पड़े और अच्छे से ये पकने लगे। इसको डाल के छोड़ते नहीं है, बीच बीच में चमचा से ऐसे ऐसे चलाते रहते हैं। देख सकते हो चावल में कोई लंस नहीं पड़ा है, चावल इसी में मिक्स हो गया है। इसको चलाते रहना ही चाहिए। दूध में हल्का सा उबाल आने लगा है, जो चावल हम पीस के रखे हैं उसको इसमें डाल देंगे और फिर इसको चलाते रहेंगे। हल्के से उबाल आने लगा है, फिर इसमें चीनी ऐड कर देंगे। धीरे धीरे फिर इसको चलाते जाएंगे और अच्छे से पकाते जाएंगे। इसको पकने से 5 से 10 मिनट लगेगा। धीरे धीरे ये गाढ़ा बनता जाएगा। इसमें गड़े का बुरादा है, जो कटा हुआ है इसको पहले डाल देंगे। और थोड़ा सा बादाम, थोड़ा सा किशमिश, इसमें से भी आधा डाल देंगे ऊपर, और ऊपर गार्निश करेंगे। इसको चलाते जाएंगे। धीरे धीरे ये गाढ़ा होने लगा है। देख सकते हैं गाढ़ा होने लगा धीरे धीरे। वो आता है और फ्लेवर बहुत अच्छा आता है। इसको थोड़ा सा ही ऐड करेंगे। दो बूंद इसमें आप देख सकते हैं फिरनी बन के रेडी हो गया है। इसको ठंडा होने पे थोड़ा जम जाता है, फिर आप इसको दोस्ती रोटी या ऐसे भी खा सकते हैं। बना के देखिएगा, बहुत टेस्टी बनता है।